यीशु की परीक्षा। इस कहानी का विवरण मत्ती के चौथे अध्याय में है। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जल से बपतिस्मा लिया और उसी समय परमेश्वर की आत्मा एक कबूतर की तरह यीशु पर उतरी और तभी यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तो आज की ये कहानी यीशु के बपतिस्मा लेने के बाद की है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया, फिर यीशु 40 दिन और 40 रात के उपवास पे चला गया। तभी शैतान ने उसकी परीक्षा ली। यीशु अपनी सेवकाई का काम शुरू करने ही वाला था कि परमेश्वर का आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाए। तब यीशु ने उसे उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। फिर शैतान उसे यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया। वहां मंदिर की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वह तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पैरों में कोई पत्थर तक न लगे। यीशु ने उत्तर दिया, किंतु शास्त्र यह भी कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखाया। शैतान ने तब उससे कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। फिर यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, शास्त्र कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। फिर शैतान उसे छोड़कर चला गया और सरदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। अब आइए देखें ये कहानी हमें क्या सिखाती है। लगभग 2000 साल पहले अच्छाई और बुराई के बीच सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी। ये वह समय था जब शैतान ने 40 दिन और 40 रातों के उपवास के बाद यीशु मसीह की परीक्षा ली। बाइबल में मत्ती 4 और लूका 4 में यीशु के प्रलोभनों को विस्तार से दर्ज किया गया है। बाइबल बताती है कि जो हुआ वह संयोग से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से हुआ था। इब्रानियों की पुस्तक इसका कारण बताती है कि ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर के रूप में यीशु प्रलोभन या कष्टों को नहीं जानता था, परंतु एक मनुष्य के रूप में उसने हमारे जैसे ही प्रलोभनों और कष्टों का अनुभव किया, मगर फर्क बस इतना है कि वह फिर भी पाप में नहीं गिरा। अगर हम सब उसकी जगह होते तो शायद शैतान की बातों में आ जाते, क्योंकि शैतान हमेशा मौके तलाशता है कि कब हम कमज़ोर पड़ें और वो हमें हमारे परमेश्वर से दूर ले जाए। और ऐसा हमेशा होता है कि जब कभी आप परमेश्वर से नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे या परमेश्वर का कोई काम करेंगे तो वो आपको रोकने का प्रयास करेगा, जैसा कि हमने इस कहानी में देखा कि कैसे उसने यीशु मसीह के रास्ते में बाधा डाली जब वो परमेश्वर के दिखाए रास्ते पे चलने वाला था। आइए अब देखें यीशु का प्रलोभन कैसा था। यीशु का प्रलोभन 3 प्रकार का था। पहला प्रलोभन शरीर की लालसा से संबंधित था। इस समय हमारा प्रभु भूखा था और शैतान उसे पत्थरों को रोटी में बदलने के लिए प्रलोभित करता था, लेकिन प्रभु इसके विपरीत पवित्र शास्त्र से उत्तर देता है, यह बताते हुए कि लोगों का जीवन यहोवा के वचन पर आधारित है, जो हमें व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय के 3रे पद में मिलता है। दूसरा प्रलोभन जीविका के घमंड से संबंधित था और यहाँ शैतान पवित्र शास्त्र के एक पद का उपयोग करता है जो हमें भजन संहिता के
91 अध्याय के 11वें और 12वें पद में मिलता है। लेकिन इसके विरुद्ध प्रभु ने पवित्र शास्त्र से ही उसे उत्तर यह कहते हुए दिया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को मत परखना जैसा तूने उसे मस्सा में परखा था, जो हमें व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय के 16वें पद में मिलता है। तीसरा प्रलोभन आँखों की वासना से संबंधित था। शैतान का पहले से ही दुनिया के राज्यों पर नियंत्रण था, तभी उसने यीशु को सांसारिक चीज़ें दिखाई और उसे उनका लालच देने का प्रयास किया, पर वह वहाँ भी असफल रहा, क्योंकि प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र से उत्तर देते हुए कहा कि अपने परमेश्वर का सम्मान करो और केवल उसी की सेवा करो, जो हमें व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय के 13वें पद में मिलता है। इब्रानियों के 2 अध्याय के 17वें और 18वें पद में लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यीशु हम सब के बीच मनुष्य बन के आया था, तो उसे मनुष्य की तरह ही हर एक दुख और सुख का सामना करना था। यही वजह थी कि उसका सामना शैतान से हुआ। और हमारा प्रभु अति महान है और आदर के योग्य है, क्योंकि इन सारी परीक्षाओं के बाद भी वो निष्पाप पाया गया। और यही वजह है कि उसे हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए ठहराया गया। और इब्रानियों के 4 अध्याय के 15वें पद में ये भी लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए जब परीक्षा होती है, अर्थात जीवन की परिस्थितियों के द्वारा हमारी जांच होती है, तब हम आश्वस्त हो सकते हैं कि यीशु इसे समझता है और हमारे प्रति सहानुभूति रखता है, क्योंकि वह स्वयं इसी तरह की परीक्षाओं में होकर गया। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय का 13वां पद हमें बताता है कि ऐसी बहुत सी परीक्षाएं हैं जिनमें हम इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर स्वाभाविक रीति से कमज़ोर है, परंतु हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो हमारी सामर्थ्य से परे हो। वह उससे निकलने का मार्ग बनाएगा। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा जो हम पाते हैं वो ये है कि यीशु ने कैसे पवित्र शास्त्र का उपयोग करते हुए सटीकता के साथ उत्तर दिया। बुराई की शक्तियाँ हमारे पास असंख्य परीक्षाओं के साथ आती हैं, परंतु एक मसीही सैनिक के हथियार में केवल एक ही आक्रमण करने वाला हथियार सम्मिलित है, और वो आत्मा की तलवार है जो परमेश्वर का वचन है, जो हमें इफिसियों के 6 अध्याय के 17वें पद में मिलता है। इसलिए बाइबल को घनिष्ठता से जानने से हम हमारे हाथों में तलवार को दृढ़ता से पकड़े रह सकते हैं, और यही हमें परीक्षाओं के ऊपर विजय बनाएगा। परमेश्वर की ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको बाइबल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को अपने करीबियों तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य तक पहुँचे और वो उससे लाभ पाए। थैंक यू। जय मसीह की।